नमस्कार, वेब दुनिया की खास पेशकश वेब वायरल फैक्ट चेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस से चीनी परेशान है, तरह तरह की अफवाह फैल रही है और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में चीनी पुलिस लोगों को गोली मारती हुई नजर आ रही है। आखिर कितनी सच्चाई है इस खबर में, देखिए वेब दुनिया की खास रिपोर्ट। क्या सच में कोरोना वायरस के मरीजों को गोली मार रही है चीनी पुलिस? इस वीडियो में कितनी है सच्चाई, क्या है इस वीडियो का पूरा सच? वेब दुनिया लेकर आया है आपके लिए इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई, देखिए वेब दुनिया की स्पेशल रिपोर्ट। आखिर इस वीडियो में क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि तीन पुलिस वाले हाथ में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। कुछ सेकंड्स के बाद कुछ लोग एक घर के बाहर जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं और मेडिकल स्टाफ उनके आसपास नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। फिर उसके बाद पीली जैकेट पहना एक शख्स जमीन पर पड़ा दिख रहा है, इस दौरान भी गोलियों की आवाज सुनाई देती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस बीच 25,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। चीन में वायरस से पीड़ित सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया गया है, यह बेहद दुखद है। और इस ट्वीट को अब तक 2000 से अधिक बार रीट्वीट भी किया जा चुका है और लगभग 3,500 लोगों ने लाइक भी किया है। वेब दुनिया ने इस दावे की सच्चाई को जानना चाहा कि आखिर क्या वाकई में चीन की पुलिस कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को गोली मार रही है? आखिर क्या है इस पूरे वीडियो का सच, ताकि हकीकत आपके सामने आ सके। आपको बता दें कि वेब दुनिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फेक है। चीन के प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क CGTN ने एक ट्वीट कर बताया कि चीनी पुलिस द्वारा कोरोना वायरस के मरीजों को गोली मारने की वायरल खबरें फर्जी है। CGTN ने इस बाबत अपनी एक फैक्ट चेक रिपोर्ट भी शेयर की है। CGTN के मुताबिक हथियारबंद पुलिस का वीडियो युवा शहर का है। रिपोर्ट के अनुसार युवा पुलिस ने बताया कि ये पुलिस वाले एक पागल कुत्ते को मारने के लिए निकले थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि वायरल वीडियो के आखिरी हिस्से में दिख रहे पीली जैकेट वाले शख्स की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। ये घटना वुजू शहर की है, 29 जनवरी की। तो ये था कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों और चीनी पुलिस के बीच वायरल वीडियो का पूरा सच। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही वायरल वीडियो की हकीकत को जानना, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल वेब दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। नमस्कार।